So hello and assalamu alaikum. I hope that each and every one of you will be doing great. So welcome back to my channel. So in today's vlog I'm gonna visit Sawa River, and because this is early morning, so I will be taking a pit stop at Rawal Dam spillways. So right now you are looking at the view of Benazir Bhutto Shaheed Road, which was previously known as Murray Road. वैसे आपस की बात है, अभी मरी रोड ही कहते हैं। Stay tuned and enjoy this vlog. ये देखें, रक्षा वाला कहीं से भी आएगा। In the morning आप लोगों को वैसे तो नजर आ जाएगा कि रश वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल ड्राइविंग, क्योंकि रश नहीं होता, ज़्यादा लोग नहीं होते, बट यू कैन स्पॉट दीज टाइप ऑफ ईटीएस राइट अवे. तो अभी मैं जा रहा हूँ फैजाबाद. मैं हूँ मौजूद इस वक्त रावल डैम स्पिलवे पे. मैं इतना लेजी हूँ तो मैंने सेल्फी स्टिक नहीं निकाली, मैंने हेलमेट को ही पकड़ा हुआ है. और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुर्गाबियाँ हैं और कभी कभी यहाँ पे डक्स भी लैंडिंग करती हैं. फिल वक्त वो वहाँ पे दो बत्तखें हैं और एक बत्तख ये बैठी है, और मुर्गाबी अभी थोड़ी देर पहले मुझे नज़र आई थी. मुर्गाबी ने डाइव किया था प्रोबेबली फिशिंग के लिए, तो फिश वगैरह ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये लोगों का फैलाया हुआ गंद देखकर बड़ा अफसोस होता है. बस इंसान ना हो, बड़ी बाकी बड़ी पीसफुल जगह है. सो आई एम एट पुल सवा, और ये एक छोटा सा बुलबुल है. ये चेक करें नीचे का सीन, इसमें मछलियाँ भी होती हैं. जब हम छोटे होते थे तो बचपन में वो एक तोता उड़ा, छोटे होते थे तो यहाँ पे हम मछलियाँ पकड़ने आते थे. मछलियों के बच्चे छोटे छोटे बेसिकली इतने इतने होते थे, तो दैट वाज आवर स्पॉट. तो हम जाते थे और वहाँ से जो है वो अपनी बुनियान उतार के तो बुनियान से मछलियाँ पकड़ते थे. सो वी आर हेडेड डाउन देयर. ओ नाउ वी आर लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और ये है दरियाए सवा. It's so peaceful. So with the passage of the time, landscape of this river has been changed significantly due to heavy rains and droughts. So that was our point. यहाँ पे कुछ पत्थर होते थे जो अब नहीं है, and when the high tide was coming over here, तब यहाँ पे जो है वो मछलियों के बच्चे फंस जाते होते थे, और वो फिर हम बुनियान से पकड़ते होते थे और घर जाके बोतल का एक्वेरियम बनाते होते थे. बट यू नो इट फील सैड जब मुझे वहाँ पे वो अंदर डूबा हुआ लेज का पैकेट नज़र आता है. लेज कंपनी वालों को फाइन करना चाहिए. एक तो लफाफे में हवा भर के दे देते हैं, और उसके बाद जो सी पोल्यूशन होती है उसकी भी केयर टेक कोई नहीं है. तो आई कॉन्ट कन्फर्म, बट मैंने मुझे किसी बोंगे ने बताया था कि लाहौर में ये वाले पत्थर जो है वो बिकते हैं. तो डू टेल मी सम इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसी बात है कि नहीं. सो नाउ आई एम हेडेड बैक. अगर आप भी दरियाए समा को विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा चिराग चौक. चिराग चौक से आपके पास दो रास्ते जा रहे होंगे. एक रास्ता आपको सिमली डैम की तरफ लेके जाता है, और दूसरा रास्ता आपको कोटली सतियाँ की तरफ लेके जाएगा. बस आपने कोटली सतिया की तरफ नाक करनी है, और यू शुड बी हेड स्ट्रेट. और रास्ते में आपको नज़र आ जाएगा एक पुल बना हुआ, जहाँ से मैं नीचे जाके ये दरियाए सवा एक्सप्लोर किया. और अगर आप लकी हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो फिश भी नज़र आ जाएगी.
तो ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, एंड इफ़ यू हैव स्टम्बल्ड अपॉन माई कॉन्टेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।